भारतीय क्रिकेटर के साथ ठगी, बिल्डर ने ठग लिए 71 लाख, जान से मारने की मिल रही है धमकी। टीम इंडिया के घरेलू क्रिकेटर और साथ ही अंडर 19 टीम को लीड करने वाले खिलाड़ी रविकांत शुक्ला के साथ ठगी हो गई है। रविकांत शुक्ला ठगी का शिकार हो गए हैं और उन्हें करीब 71 लाख रुपए की चपत लगी है। बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में पंजाब टीम का साथ देने वाले रविकांत शुक्ला को याजदान बिल्डर्स ने ठगी लगा दी है। याजदान बिल्डर्स पर रविकांत शुक्ला ने ठगी के आरोप लगाए हैं और शिकायत भी दर्ज करवाई है। पूरे मामले की आपको जानकारी दें तो रविकांत शुक्ला ने याजदान बिल्डर के खिलाफ ठगी का आरोप लगाते हुए हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि याजदान बिल्डर ने नियम के अनुसार अपार्टमेंट नहीं बना के दिया और उनके साथ 71 लाख रुपए की ठगी हुई है। मामले की बात करें तो याजदान बिल्डर ने एलडीए के नियम अनुसार एक अपार्टमेंट बना कर दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि जो अपार्टमेंट, जो बिल्डिंग बनाई गई है वह गैर कानूनी तरीके से बनी हुई है और इसी के बाद एलडीए यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिसंबर में गैर कानूनी बताते हुए उस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया गया और बिल्डिंग को गिरा दिया गया। इसके बाद क्रिकेटर रविकांत शुक्ला ने याजदान बिल्डर से अपने 71 लाख रुपये वापस मांगे जो उन्होंने फ्लैट बुक करने के लिए दिए थे, लेकिन इसके बाद बताया जा रहा है कि उन्हें अब जान से मारने की धमकी मिल रही है और इसी की शिकायत रविकांत शुक्ला ने पुलिस में की है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते उन्होंने बताया है कि उनके परिवार और उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, साथ ही उनके साथ 71 लाख रुपए की ठगी हुई है और शिकायत के बाद अब पुलिस ने भी मामले में जांच शुरू कर दी है। बता दें कि साल 2006 में रविकांत शुक्ला ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी की थी। उस वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम में रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, ईशान शर्मा, पीयूष चावला, चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी भी थे जो सभी रविकांत शुक्ला की कप्तानी में खेले थे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के ऐसे सितारे रविकांत शुक्ला की टीम का हिस्सा रहे थे। अब आ जाते हैं जिस मामले की चर्चा हो रही है। दरअसल 35 साल के रविकांत शुक्ला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले हैं। उन्होंने याजदान बिल्डर की नई बिल्डिंग पर अपने 2 फ्लैट बुक करवाए थे, इसी को लेकर उन्होंने 71 लाख रुपए की ठगी के आरोप लगाए हैं। बता दें कि वह इस वक्त डालीबाग इलाके बटलर रोड स्थित के अपार्टमेंट में रहते हैं। हजरतगंज के पास स्थित इस बिल्डिंग में वह रहते हैं। उन्होंने याजदान बिल्डर के नई बिल्डिंग में 2 फ्लैट बुक करवाने के 71 लाख रुपए दिए थे। 7 लोगों ने उन्हें धोखा देकर 71 लाख रुपए ठग भी लिए, लेकिन इसके बाद अब लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया है। उस पर बुलडोजर चला दिया गया है क्योंकि वह बिल्डिंग गैर कानूनी तरीके से बनाई गई थी। अब रविकांत शुक्ला अपने 71 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं जिस पर उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और इसी की शिकायत उन्होंने पुलिस में दर्ज करवाई है। साल 2009 में रविकांत शुक्ला को पंजाब टीम ने आईपीएल में खरीदा था, हालांकि उन्हें आईपीएल में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। बहरहाल रविकांत शुक्ला के मामले पर पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया है। जो भी अपडेट होगी आपको अवगत जरूर कराया जाएगा, लेकिन आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।